किसान भाइयों, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं किसान भाइयों? बिल्कुल अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ताजा तरीन और भी नई नई जानकारियाँ, लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहन की खेती के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण की है योजना। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अतिरिक्त क्षेत्र विस्तार योजना के तहत राज्य के कई जिलों में दलहन की उपज और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के बीच 50% अनुदान पर कृषि उपकरण, नेपसेक स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पंप सेट और सिंचाई पाइप का वितरण किया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के किसान अपने जिला के आत्मा कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य में गव्य विकास विभाग द्वारा कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना चलाई जा रही है। इसकी योजना लागत 50 लाख रुपए है। इसमें सखी मंडलों को 25% अनुदान और युवा शिक्षित बेरोजगार, लघु उद्यमी, स्वयं सहायता समूह तथा प्रगतिशील पशुपालकों को 15% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के पशुपालक जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन पत्र दे सकते हैं। पशुपालक भाई, हरा चारा को संरक्षित करने के लिए साइलेज विधि का इस्तेमाल करें। इसमें हरा चारा को काटकर 25 सेंटीमीटर की मोटाई में दबाकर तह लगा दिया जाता है और उसे खास वातावरण में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। बरसात के मौसम में पर्याप्त मात्रा में और आसानी के साथ हरा चारा मिलता है, लेकिन जनवरी के बाद इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। बरसात के 2 महीने बाद तक किसान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हरा चारों को साइलेज विधि द्वारा संरक्षित कर सकते हैं और जब हरा चारा ना मिले तब इसे खाने के लिए पशुओं को दे सकते हैं। हरा चारा संरक्षण की साइलेज विधि क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। साइलेज मेकिंग है जिसमें सभी हम लोग 1 क्यूबिक मीटर में 400 से 500 किलोग्राम का हरा चारा को रख सकते हैं और उसको 25 सेंटीमीटर का हरा चारा बनाकर, काटकर बनाकर हम लोग उसको लेयर बाय लेयर दाब के रखते चले जाते हैं और पूरी तरह से सील करके 20 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 20 दिन के बाद वो हरा चारा का अचार बन जाता है और उसको हम लोग एक तरफ से खोलकर आराम से निकाल कर जितनी आवश्यकता है उसको खिलाया जा सकता है। ये काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाई, पालक साग की खेती के लिए फरवरी तक फसल लगाने का काम किया जा सकता है। राज्य के जो किसान पालक साग की खेती करना चाहते हैं वे इसके बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन या पूसा माधवी लगाएं। पालक साग की खेती के लिए दोमट मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें। बुआई में 20 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए पालक साग के उन्नत प्रभेदों में पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन या पूसा माधवी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण ग्रबर की सहायता से गेहूं सहित वैसी तमाम फसलें जिनकी जड़ें कम गहरी और छोटी होती हैं, उन फसलों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 15 से 18 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए आज हम जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसलों को रासायनिक दवा के बिना कीट मुक्त रखने के उपाय के बारे में। किसान भाई, लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो बुआई या रोपाई से 1 सप्ताह पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें।
इससे लत्तेदार सब्जी फसल कीटों के प्रकोप से मुक्त रहेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति बिरमो कोडरमा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। महुआ 2,100 रुपए से 3,800 रुपए, गोभी 900 रुपए से 1,100 रुपए, हरी मिर्च 3,400 रुपए से 3,700 रुपए, चावल मोटा 2,200 रुपए से 2,600 रुपए, चावल मध्यम 2,650 रुपए से 3,000 रुपए, चावल उत्तम 3,900 रुपए से 6,000 रुपए, गेहूँ 2,100 रुपए से 2,400 रुपए, दाल अरहर 6,200 रुपए से 6,800 रुपए, दाल मसूर 4,550 रुपए से 4,700 रुपए, दाल चना 6,300 रुपए से 6,800 रुपए, सरसों तेल 9,500 रुपए से 10,700 रुपए, चीनी 3,900 रुपए से 4,200 रुपए, आलू 550 रुपए से 700 रुपए और प्याज 3,850 रुपए से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। सन भाइयों, हम बताना चाहते हैं कि अमृत कृषि प्रणाली क्या है, तो चलिए लेते हैं जानकारी और चलते हैं विशेषज्ञ के पास। आज हम लोग विशेष तरह की जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, जो है अमृत कृषि प्रणाली। ये इस विधि से किस प्रकार से किसान भाई खेती करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करें, इस विषय को बताने के लिए हमारे पास उपस्थित हुए डॉक्टर सिद्धार्थ जायसवाल, जो बीपीडी में वैज्ञानिक हैं। चलिए डॉक्टर साहब, इस विषय में हमारे किसान भाई को ये जानकारी दें कि अमृत कृषि होता क्या है। अमृत कृषि एक जैविक कृषि की एक प्रणाली है, जिसमें बहुत ही कम लागत में अपने किसान भाई बहन अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, खेती की लागत घटा सकते हैं, और जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व अमृत कृषि के द्वारा सब फलों में सब्जियों में बढ़ा सकते हैं। साहब, आपने ये बताया कि किस इसकी क्या विशेषता है, लेकिन इससे क्या किसान भाई को फायदे होंगे? देखिए, अमृत कृषि में दो भाग होता है। एक भाग होता है अमृत जल बनाना, दूसरा होता है अमृत मिट्टी बनाना। अब अगर आप अमृत मिट्टी बना के, अमृत जल तो 3 दिन में बन जाता है, लेकिन अमृत मिट्टी को बनाने में 5 से 6 महीना लगता है। एक बार आप अमृत मिट्टी बना के अमृत जल से सिंचाई शुरू कर देते हैं, उसके 4 मुख्य फायदे हैं। पहला फायदा ये कि कोई भी किसान भाई बहन है, अगर जिन्होंने अमृत मिट्टी बना के डाली है और अमृत जल से सिंचाई कर रहे हैं, उनको 15 साल तक उस खेत में कोई भी खाद या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सबसे पहला फायदा है। दूसरा फायदा इसका, ये एक जीरो टिलेज सिस्टम है। यहाँ पे कभी भी खेत में हल बैल या ट्रैक्टर नहीं चलता है, ये बिना जुताई की खेती है। तीसरा इसका फायदा ये है कि इसका जो प्रोडक्शन है, जो प्रति एकड़ जो उपज निकल के आती है, कोई भी किसान कोई भी हाइब्रिड बीज, यूरिया, डीएपी कोई भी इस्तेमाल करे, इसका प्रोडक्शन बाकी सबके प्रोडक्शन से ज़्यादा आता है। पहली फसल के साथ बाकी अन्य जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, जैविक कृषि के सिस्टम है, उसमें लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे प्रोडक्शन गिरता है, बाद में बढ़ता है, लेकिन हमारा जो अमृत कृषि का सिस्टम है, पहले प्रोडक्शन के साथ ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और चौथा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि पोषक तत्वों की कमी जो सारे अनाज में सब्जियों में हो रही है, जब हम लोग अमृत कृषि के द्वारा जब सब्जी उत्पादन या अनाज उत्पादन करते हैं, तो सब में पोषक तत्व जो केमिकल रसायनों के कारण खत्म हो गए थे, वो वापस आने लगते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आप फायदे अच्छे अच्छे बताए, हमारे किसान भाई देख करके और जान करके उत्सुक हो रहे होंगे कि इसको कैसे बनाया जाए। लेकिन एक चीज़ हमारे किसान भाई ये भी जानना चाह रहे होंगे कि जब आप बोल रहे हैं कि मिट्टी तैयार कर लिए, मिट्टी तो तैयार कर लिए, चलिए छिड़काव भी कर दिए, मिट्टी डाल दिए उसमें, लेकिन अब है कि सिंचाई जब करेंगे तो क्या गौमूत्र वाले ही पानी से सिंचाई करेंगे कि ऊपर से भी पानी कुछ देना है इसमें? देखिए, इसमें जो अमृत जल देने की जो विधि है, इसका जो तरीका क्या होता है कि जहाँ तक हो सके
साधारण जल की जगह अमृत जल ही दे। जब आप खेत में बना रहे हैं तो या तो बड़ा पानी का टैंक कुछ बना लें, या जो हाथ जो सरकार ने बनवाया उसका उपयोग करें, या प्लास्टिक की टैंक इस्तेमाल कर लें उसमें बना लें, और जहाँ तक संभव हो उसमें अमृत जल का ही उपयोग करें। अगर अमृत जल उतना नहीं बन पा रहा है, एक बार अमृत जल एक बार साधारण जल इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ तक संभव हो साधारण जल की जगह अमृत जल का ही उपयोग करें। साहब, आपके मुताबिक ये हुआ कि इसमें न हमको कोई यूरिया देना है, न खाद देना है, न कुछ डालना है, सिर्फ बीज लगाना है और खेत से मुनाफा पाना है। ये तो हमारे किसान भाई, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ हो गया कि उसको एक पैसा लगाना नहीं है, सिर्फ बीज में लगाना है और जल और मिट्टी बनाना है बस। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब हमारे किसान भाई को ये भी जानकारी दे दें कि इसको बनाया कैसे जाए, बनाए किसान भाई क्या है? इसको बनाए बना बनाया मिलेगा मार्केट में, या फिर घर में बनाए या खेत में बनाए? नहीं, इसको अमृत जल और अमृत मिट्टी को बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कोई भी किसान अपने घर में, छत, खेत में कहीं भी बना सकता है। अमृत जल को बनने में 3 दिन लगता है। इसको बनाने में जो अनुपात होता है वो होता है 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम देसी गुड़। ये 3 चीज़ों को 10 लीटर के पानी में हम लोग मिक्स कर देते हैं और इसको हम लोग 3 दिन तक रखते हैं। 3 दिन तक घोल बना के दिन में 2-3 बार इसको गढ़ी की सीधी दिशा उल्टी दिशा में चलाते हैं, ताकि 3 दिन में आपका कॉन्सेंट्रेट अमृत जल तैयार। 4th दिन इसको 10 गुना पानी अर्थात 100 लीटर पानी में डाइल्यूट कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, तो अपने पास 111 लीटर का अमृत जल बन के तैयार हो गया, जिसको हम लोग पटवन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो इसका रेशियो जो अनुपात है उसी हिसाब से बढ़ा देना है। इसका अमृत मिट्टी है, देखिए पहला भाग मैंने बताया था अमृत जल बनाने की विधि जो 3 दिन में बन के तैयार हो जाती है। दूसरा भाग होता है अमृत मिट्टी को बनाने का। अमृत मिट्टी को बनने में 4 से 5 महीने लगते हैं। ये 3 भाग में 3 चरण में बनती है। पहला चरण 1 महीने का, दूसरा चरण 2 महीने का और तीसरा चरण फिर 1 महीने का। इसमें करना क्या होता है, जितने भी सूखे पत्ते होते हैं, खरपतवार हैं, पुआल है, सबको इकट्ठा करके हम लोग उसको पहले तो 1-1.5 इंच में छोटा छोटा हम लोग टुकड़ा कर लेते हैं, काट लेते हैं। उसके बाद सबको अमृत जल में हम लोग 24 घंटा भिगो के रखते हैं, ताकि जो सूक्ष्म जीवाणु जो हम लोग अमृत जल में पैदा कर रहे हैं वो सारे के सारे पुआल के अंदर आ जाए। उसके बाद हम लोग करते क्या, इसको 24 घंटा भिगो के रखते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके बाद एक बेड बनाते हैं जिसमें 1/4 जमीन की ऊपरी सतह की जो मिट्टी है, टॉप सॉयल है, उसको मिक्स करते हैं 1/4 मात्रा में। उसके बाद जो बेड बनाते हैं, बेड 3 फुट चौड़ा, 1 फुट ऊंचा, 10 फुट लंबा है। अब इस बेड को हम लोग जब बना के रख दिए हैं, उसके बाद 3 चरण में बनता है। पहला चरण है 1 महीने का। 1 महीने का पहले चरण में सिर्फ एक काम करना है, सप्ताह में 1 बार उस बेड को चला देना है और कुछ नहीं करना है। तो 1 महीने में जो पहले चरण का था उसमें सिर्फ आपने 4 बार चलाया और कुछ नहीं करना है। दूसरा चरण जो 2 महीने का है उसमें क्या करना है, हम लोग कुछ बीज होते हैं आयुर्वेद में जो 6 रस होते हैं, 6 रस के हिसाब से सारे अन्न सारे सब्जी फल आ जाते हैं, तो हम लोग उसके पास बीजों की लिस्ट है। वो बीज प्रति बेड हम लोग 300 ग्राम बीज को छिड़कते हैं, वो बीज को हम लोग उस बेड के ऊपर उगाते हैं। जब वो बीज जब उगने लगते हैं तो 21 दिन में करीब इतने बड़े बड़े 1 फुट करीब 6 इंच लंबे पौधे हो जाते हैं। 1/4 छोड़ के 3/4 को उन सबको काट के वापस बेड में हम लोग डाल देते हैं। तो 21वें दिन पे पहला कटिंग होता है, 42वें दिन पे दूसरा कटिंग और 63वें दिन पे तीसरा कटिंग। जब तीसरा कटिंग होता है उस वक्त सारा बेड को एक बार फिर चला देते हैं। तो पहला चरण कंप्लीट हो गया 1 महीने का, फिर दूसरा चरण 2 महीने का कंप्लीट हो गया, तो तीसरा चरण है वो भी 1 महीने का, वो बिल्कुल पहले चरण के जैसा ही है कि सप्ताह में सिर्फ 1 बार चलाना है और कुछ नहीं करना है। तो तीनों चरण को देखेंगे तो 4 से 4.25 महीने में आपकी पूरी अमृत मिट्टी बनके तैयार हो जाती है। अगर मान लीजिए खेत में उनके कीटाणु का प्रकोप हो जाता है, रोग का प्रकोप हो जाता है, क्या उनको अलग से रसायन डालने की जरूरत पड़ेगी या फिर इस अमृत जल से ही उसका निपटारा हो जाएगा? देखिए ये जो अमृत कृषि जो सिस्टम है ये एक अहिंसक खेती का सिस्टम है, इसमें कहीं कोई हिंसा की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे ये प्रकृति के नियमों के अनुरूप है कि प्रकृति में सारे जीवों को रहने की जगह है, सृष्टि में सबको रहने की जगह है। तो कीड़े मकोड़े लगेंगे 10-15% आपके अनाज को, सब्जियों को, फल को डैमेज करेंगे, लेकिन उसको हटाने के बाद भी जो बचेगा उसका प्रोडक्शन आपके सारे खेत आसपास जो भी किसान प्रोडक्शन करेंगे उससे ज़्यादा है। तो जब आपको अपना प्रोडक्शन से मतलब है, जब वो ज़्यादा हो रहा बाकी सारे किसानों से अच्छा, तो जो 10-15% जो बाकी जो जीवों के लिए कीड़ों के लिए उनको छोड़ देना चाहिए, ताकि उनके अंदर रेसिस्टेंस और प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हो। हमारे किसान भाई को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अमृत कृषि से किस तरह से खेती करें और इसकी इससे कैसे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब।
और सभी किसान भाइयों को मेरे तरफ से जुहार नमस्कार। किसान भाइयों, अगली जानकारी जो हम देना चाहते हैं वो है ठंड के मौसम में पशुओं की उचित आवास प्रबंधन एवं बीमारियों से बचाव आप कैसे करेंगे, तो चलिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों जुहार, आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोड़ा में और आज जानेंगे कि ठंड के मौसम में पशुओं में होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उनके आवास का प्रबंधन कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतीश कुमार जी, तो सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार सतीश जी, ठंड के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि रहने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मनुष्यों के लिए भी ठंड में उचित स्थान रहता है, रखने के लिए अलग से व्यवस्था करनी होती है, तो पशुओं में अगर व्यवस्था की बात करें तो वो कौन कौन सी है। पशुओं में हम सामान्यतः देखते हैं जाड़ा के मौसम में कि जब ठंडा बहुत तेज़ हो जाता है, मतलब सर्द मौसम ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो उनको सर्दी और साथ ही साथ डायरिया का शिकायत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस समस्या से बचाने के लिए हम लोग जिस घर में, जिस गौशाला में या फिर पशुशाला में हम लोग बोरा या फिर टाट बोलते हैं या फिर जूट वाला बोरा हो, इसको अगर हम जहाँ से भी हवा आने का चांसेस है वहाँ पर लगा दें, या ना मिले कुछ भी तो प्लास्टिक मिलता है बाज़ार में, उसको कम कीमत में वो भी लेकर के ज़रूर लगाएं। अगर ठंड हवा हमारे कमरे में नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है हमारा घर का रूम का टेम्परेचर बना रहेगा, और जब टेम्परेचर बना रहेगा तो पशुओं का जो अपना वास्तविक अपना शरीर का तापमान है वो भी नहीं गिरेगा, और ना गिरने के कारण उनमें कोई सर्दी या फिर और डायरिया संबंधी कोई शिकायत देखने को ना मिलेगी। जैसा कि आपने बताया कि आवास की व्यवस्था अगर करेंगे, प्लास्टिक लगा देंगे या फिर लकड़ी का ही दरवाज़ा लगा देंगे, तो ठंड का जो हवा है अंदर नहीं जाएगी तो टेम्परेचर ठीक रहेगा, लेकिन अगर बात करते हैं कि ठंड में अगर बीमारी आ जाती है तो उसकी रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करेंगे। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग ठंड में पशुओं को जहाँ पर बेडिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं, जहाँ जिस पर पशु को रहने का प्रबंध करते हैं, वहाँ पर हो सके तो पुआल का पूरा प्रबंध कर दें, जो कि एक हम लोग के लिए गद्दा का काम करे पशुओं के लिए, जिससे उनमें शरीर में जो धरती का जो ठंडापन है वो भी उनके यहाँ नहीं जाएगा, उससे भी उनको काफ़ी राहत महसूस होता है। अब बात उठता है कि पशुओं में होने वाली बीमारियाँ, पशुओं में ठंड में सबसे ज़्यादा मुख्यतः बीमारी देखा जाता है, अगर बकरी की बात करें तो PPR, सुकरी की बात करें तो स्वाइन फीवर, और सामान्यतः हम गाय पशु की बात करें तो उसमें भी सर्दी और साथ साथ डायरिया का केसेस ज़्यादा पाया जाता है। तो हम बकरियों में जो PPR होता है, इसके बचाव के लिए उनका सबसे बेहतरीन है उपाय कि हम उसका टीकाकरण कर लें। टीकाकरण के लिए PPR का टीका विभाग, पशुपालन विभाग के द्वारा सभी जगह दिया जाता है, जिससे पशुपालक भाई एक ML प्रति बकरियों को अगर लगा देते हैं तो उससे हम लोग उसको सुरक्षित कर पाते हैं। साथ ही साथ सुकरियों में भी जो स्वाइन फीवर का रोग होता है, इस स्वाइन फीवर के रोग में भी हम अगर 1 ML का टीका लगाते हैं सुकरियों को, उससे भी हम उनको 1 साल के लिए हम सुरक्षित पा लेते हैं। साथ ही साथ गाय में सबसे मुख्य देखा जाता है जो सर्दी और हमारा जो डायरिया का केस अगर मिलता है, पतला पैखाना का केस अगर मिल रहा है, तो हम उसे बचाने के लिए मुख्यतः कर देंगे क्या कि पशु को जो जिसमें बाड़ा है, जिसमें हम रखते हैं, वहाँ पर हम ताज़ा पानी का व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ उनका जो भोजन होगा हम कोशिश करेंगे कि पका करके गर्म दें, जिससे कि उनको खुद ब खुद जो शरीर में अनाज जा रहा हो वो भी सामान्य तापमान से कहीं बेहतर तापमान वाला हो, जिससे कि उनका शरीर को ठंडा कम लगे, और बचाव में उनको बोरा तिरपाल वाला लगाना जरूरी है। मुख्यतः हम बीमारियों में अगर बात करें तो बकरियां जो है हमारे गरीब पशुपालकों के पास सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बकरियों में एक लक्षण आता है छेरा होता है, जो कि पतला पैखाना होता है, जिसे अगर लगता है जैसे कोई पतला पिचकारी से मार दिया है दीवार पे और हरा रंग का पैखाना देखने को मिलता है। दूसरा है सर्दी खांसी होता है, घर घर कर करके उसका छाती से आवाज़ आता है और नेटा पोटा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर ऐसा समस्या देखने को मिल जाता है तो हम देखते हैं कि अनुमान 3 से 5 दिन के बाद हमारी बकरियों का मौत हो जाता है, और उस मौत से संरक्षित करने के लिए हम लोगों को मजबूरन आसपास के जो लोग चिकित्सा करते हैं उनसे झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करना पड़ता है। अच्छा प्रबंधन यही होगा कि अगर बीमारी हो गई है तो वो अपने आसपास के पशु चिकित्सालय में जाएं और पशु चिकित्सक से संपर्क करें। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि पशुओं को टीकाकरण सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि बीमारी आए ही नहीं, और दूसरी बात है कि अच्छे डॉक्टर से ही सलाह लेकर के पशुओं की चिकित्सा करवाएं। अब हम शुक्रों पे आते हैं। शुक्र जो है साफ़ सफाई वाली
पशु हैं और इसमें ठंड के मौसम में सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, पानी का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो ऐसे में अगर देखभाल की बात करें तो सुकरों की देखभाल कैसे करें? सुकरों के मुख्यतः देखभाल में हम देखते हैं कि जब हम ठंडा में इसको साफ करते हैं तो अमूमन जो आदमी काम करता है उसको भी ठंडा लगता है, क्योंकि वो रात में हम लोग इसमें बहुत बड़ा दरवाज़ा नहीं लगाते हैं जैसे अमूमन हम दूसरे फार्म में लगाते हैं। इसमें वो लोहा का या फिर ऐसे कोई पर्दा हम लगाए देखते हैं, ये तो कोई फार्म की व्यवस्था हुई, लेकिन गांव में तो कुछ भी व्यवस्था नहीं होता, ऐसे ही छोटा मोटा घर बना लेते हैं, उसमें सुकरी को रखते हैं, उसके साथ उसका बच्चा भी रहता है। अब वहाँ पर मैनेजमेंट में सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि वहाँ पर अगर हम चूँकि छोटा घर बनाते हैं, हमको आवास में ही परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आवास में हम परिवर्तन नहीं लाते हैं तो हमारी जो सुकरियाँ जिनका वजन 100 kg, 125 kg है, 60 kg है, हम इन सभी सुकरियों को अगर किसी तरह की आम परेशानी देखने को आई, हम उसको उसका उचित देखभाल नहीं कर पाएंगे। न देखभाल करने के कारण उन सुकरियों के साथ भी परेशानी होगी और साथ ही साथ उनके जो सावक हैं उनको भी परेशानी देखने को मिलेगा। इससे बचने के लिए सबसे उत्तम उपाय होगा कि हम थोड़ा ऊँचे स्थान पर आवास प्रबंधन करें। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि आवास का प्रबंधन कैसे हो और आवास में मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रोग से कैसे बचाव करेंगे। अब हम आते हैं कि ठंड के मौसम में खान पान का भी विशेष महत्व रहता है, तो क्या महत्व रखें और क्या प्रबंधन करें खान पान में? पशुओं के रोग से बचाने के लिए सबसे जो अभी ठंडा का मौसम है इसमें अगर हम थोड़ा गुड़ का मात्रा जो हम अमूमन गाय के लिए अगर बात करें तो गाय में जहाँ हम कम से कम अगर हम 50-50 ग्राम करके जैसे हम नमक जो है 25-25 ग्राम करके देते हैं उसी हिसाब से अगर कम से कम 50-50 ग्राम करके हर किसान या पशुपालक देने लगे सुबह शाम तो हम देखेंगे अमूमन कि उसके अंदर में जो ग्लूकोज की मात्रा है बढ़ जाएगी और इसके बाद उनके अंदर एक हीट पावर भी बढ़ जाता है जिससे कि हम अमूमन गायों को बचा पाते हैं। साथ ही साथ हम आयुर्वेदिक उपचार के तौर पर अगर अश्वगंधा का या फिर रोज दिन अगर एक लहसुन भी हम उनको खिलाते हैं उसका भी काफ़ी अच्छा लाभ आता है। साथ ही साथ तुलसी पत्ता का भी अगर हम करीब 10 पत्ता तोड़ के अगर हम उसका सानी में गोत देते हैं और वो खाती है उससे भी उनको अच्छा खासा लाभ मिलता है। इस जाड़े के मौसम में उनकी जो इम्यूनिटी है शरीर की वो बढ़ जाती है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। यानी कि ठंड के मौसम में अगर पशुपालक किसान भाई हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनकी खान पान और आवास की व्यवस्था अगर अच्छी रखेंगे तो उनके पशुओं में रोग कम होंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जो गुड़ की मात्रा है उसको बढ़ाएं। गुड़ हर घर से गायब हो रहा है लेकिन गुड़ की मात्रा अगर पशुओं में बढ़ाते हैं तो उनकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ेगी और कम से कम बीमार होंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है किसान भाइयों जोहार। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे हमारा पता, ताकि आपके सुझाव और आपके विचार हमें मिल सके। तो नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा के निर्देशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची पिन संख्या 834001। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार जोहार।